हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोर्ट के साथ, नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट के साथ, दैट इज़ हाई कोर्ट। सो हमने जो सीक्वेंस है वो हमने देखा कि जब भी कोई केस अगर किसी को फाइल करना होता है तो पहले वो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर उन्हें जजमेंट सही नहीं लगता तो वो जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन अब हम हाई कोर्ट के कुछ फंक्शंस देखेंगे, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हम वो देखेंगे, और हाई कोर्ट किस एरिया में डिसीजन ले सकता है, मतलब कौन से लेवल ऑफ डिसीजंस ले सकता है, दैट इज़ द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वन ऑफ द की पोजिशन इन द कंटिन्यूस हायरार्किकल पिरामिड ऑफ इंडियन जुडिशरी इज ऑक्यूपाइड एट द स्टेट लेवल, दैट इज हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट कहाँ पर है? स्टेट लेवल में। सुप्रीम कोर्ट पूरा नेशनल, एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है और हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, दैट इसलिए हम हाई कोर्ट को स्टेट कोर्ट कहते हैं। यानी कि जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल पे। The Constitution provides one High Court for every state. The President has power to form one High Court for two or more state. So यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर दो छोटे छोटे स्टेट हैं तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का मिला के एक हाई कोर्ट हो तो भी वैलिड है, लेकिन वो पावर किसके हैंड्स में? इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। इन इंडिया देयर इज़ वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। सो ये चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा, इन तीनों स्टेट्स को मिला के इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है। सिमिलरली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ असम फॉल्स द स्टेट ऑफ मणिपुर। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि किन स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है। सो यहाँ पर असम कहाँ पर आता है? मणिपुर का जो हाई कोर्ट है वही असम का भी हाई कोर्ट है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सो इन सबका मिला के एक ही हाई कोर्ट है। छोटे स्टेट्स होते हैं तो हर स्टेट्स को इंडिविजुअल हाई कोर्ट ना देके तीन चार स्टेट्स का एक कंबाइंड हाई कोर्ट दे दिया जाता है। सो ये हमने देख लिया क्या होता है हाई कोर्ट फॉर्मेशन। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो यहाँ पर भी चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज को, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के साथ, मतलब उनसे पूछताछ करने के बाद और उस स्टेट के गवर्नर से पूछताछ करने के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सो किस किस से प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्टेशन किस किस से ली जाती है? हाई कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनसे कंसल्टेशन ली जाती है, गवर्नर ऑफ स्टेट, जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हैं उस स्टेट के गवर्नर से परमिशन ली जाती है, और एक और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन की जाती है। सो अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। A president is a representative of the prime minister and the cabinet of minister, and hence only president appoint the chief justice. ठीक है, ये हमने देख लिया कि chief justice से appoint करता है। Age limit क्या है high court के judge की? 62 years, maximum 62 years का जो person है वो ही judge बन सकता है, high court का judge बन सकता है। They can tender resignation address to the president. अब क्योंकि president appoint कर रहा है इसीलिए अगर कोई जज को resignation देना है तो वो resignation letter president को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया, president को letter दे के वो resign कर सकता है, या फिर president को अगर ऐसा लगता है कि उस जज ने कोई भी impeachment किया है, right? या फिर कोई माल प्रैक्टिसेस की है, कोई गलत हरकत की है, या फिर कोई इम्पीचमेंट किया है, या फिर कोई जज ये जानते हुए कि वो सच बोल रहा है उसको झूठ, या फिर उसको फॉल्स, या फिर उसको क्रिमिनल बताया है, या फिर एक क्रिमिनल को पनिशमेंट नहीं दी, अगर ऐसा करता हुआ कोई एक हाई कोर्ट का जज मिलता है तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं उसके प्लेस से। जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। द नंबर ऑफ जज इज़ नॉट सेम इन ऑल द हाई कोर्ट्स। इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट वर्कलोड ऑफ हाई कोर्ट हैज़ इंक्रीज, तो जज अगर सपोज एक
कोई हाई कोर्ट है जहाँ पर बहुत काम नहीं होता, तो वहाँ पर एक ही जज अलॉट किया गया है, लेकिन टाइम के साथ अगर सपोज़ वहाँ पर वर्कलोड बढ़ जाता है तो जज वहाँ पर जज तो प्रेसिडेंट वहाँ पर जजेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सारे हाई कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कैरिड आउट किए जाते हैं, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसा लगता है कि इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में उनको वो सारे बोलना चाहिए तो वो उस और कोई भी दूसरी लैंग्वेज में सारे रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि इस हाई कोर्ट में इस केस के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, राइट। सो ये हो गया फॉर्मेशन की बात। क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन तो ये है कि 62 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और वो भी सिटीज़न होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए देखा है सिटीज़न होना चाहिए। मिनिमम 10 पीरियड्स उन्होंने दिए होने चाहिए कोई भी लोअर कोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट। शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, उनको 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और अ फेमस लॉ, या फिर कोई एक बहुत ही फेमस लॉ अगर वो लॉयर है तो फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकता है। फिर भले ही उन्होंने 10 साल कोई और लोअर कोर्ट में काम किया हो या नहीं, या फिर 10 साल वो एज अ एडवोकेट कहीं काम किया हो या नहीं, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि एक कोई पर्सन में बहुत क्वालिटीज़ है तो वो उसको, या फिर वो एक्सपर्ट है तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। एंड लास्टली शुड बी बिलो 62 ईयर्स, 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस सिमिलर एज सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज की जो क्वालिफिकेशंस है वही यहाँ पर भी क्वालिफिकेशंस है। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट,